पाउंटा साहिब में जल्द ही शहीद स्मारक तैयार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद स्मारक का निर्माण प्रशासन के सहयोग से करवाया जाएगा। एसडीएम कार्यालय के समक्ष नगर परिषद की खाली भूमि पर बनाए जा रहे शहीद स्मारक का भूमि पूजन पाउंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने किया। इस स्मारक के लिए 8 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई है। 3 माह में स्मारक बनकर भी तैयार हो जाएगा। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम और सिख धर्म गुरुओं ने प्रार्थना अरदास और दुआ कर विधिवत भूमि पूजन किया। इसके उपरांत संगठन का स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाउंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर पाउंटा साहिब और शिलाई तहसील के देश की सेवा में शहीद हुए वीरों के परिवार की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। माननीय विधायक साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयासों से आज भूमि पूजन हुआ और इन्होंने वादा किया कि 3 महीने के अंदर ये पूरा होगा और इन्होंने हमें 8 लाख रुपए देने के भी वादा किया है कि इस शहीद समारोह के लिए 8 लाख रुपए देंगे और 3 महीने में इसको पूरा करेंगे। मैं विधायक जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ और पूरे संगठन का, पूरे प्रशासन का, कि जिनके 2 साल के इस प्रयास से हमारी एक मुख्य मांग थी पाउंटा में शहीद स्मारक होना चाहिए, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो आज ये हमें एसडीएम महोदय की तरफ से और डीसी साहब की तरफ से और विधायक महोदय की तरफ से ये जमीन हमारे को दी है और इसका विधिवत आज भूमि पूजन हुआ है, जिसमें हमारे तीनों धर्मों के धर्मगुरु आए और उन्होंने अपने विधिवत इसको पूजना की है। आज पाउंटा साहिब में शहीद स्मारक का विधिवत रूप से भूमि पूजन हुआ है। बहुत जल्दी ये शहीद स्मारक बनाकर हम जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हजारों हमारे वीर सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने जानों की आहुति दी है। कारगिल में समय समय पर जब जब युद्ध हुए हैं, देश की सीमाओं की जरूरत पड़ी है, तो हिमाचल प्रदेश के हजारों नौजवानों ने अपनी शहीदी दी है। ये शहीदी जो है स्मारक यहाँ पर बनकर हम अपने जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका जो प्रयास है उसके अनुसार हम ये बनाकर लोगों को समर्पित करेंगे। आज उसका हमने विधिवत रूप से पूजन किया है। प्रशासन का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जमीन जो है नगर परिषद का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जमीन उन्होंने शहीद स्मारक को दी है।